हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक एआई के जो मॉडिफाइड जो पिक्चर्स होते हैं, पेंटिंग्स होते हैं, जो भी कहना चाहें आप उसके, और जो एक आर्टिस्ट हैंड वर्क्स मतलब कि अपने हाथों से पूरा फुल प्रोसेस के साथ जो एक आर्ट वर्क क्रिएट करता है, दोनों में वेस्ट कौन है। तो इस वीडियो में मैं इसमें ट्राई कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल जो पिक है उसको एआई वर्जन में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसका एक ओवरव्यू लेके आउटलाइन क्रिएट खुद से कर लिया है, और यहाँ पे मैं एकदम स्मूथ इसमें लेयर बाय लेयर कलर अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रूस्टो का 300 GSM हॉट ब्रेस्ट 25% कॉटन पेपर यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो हमारा ब्रश है वो मॉप ब्रश है जो कि मैंने लोकल मार्केट से बाय की थी। काफ़ी सही ब्रश होता है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही मस्त वाली होती है, और वाटर कलर में काफ़ी अच्छा इसमें आता है, प्रोसेस को करने बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं लेयर बाय लेयर ऐड कर रहा हूँ, और इसमें मुझे काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जैसे कि एकदम एआई में तो आप लोग देखते ही होंगे कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ उसका होता है कलर मिक्सिंग, बट यहाँ पे एक हैंड वर्क हो तो उस पर ब्रश के स्ट्रोक्स दिखना काफ़ी नॉर्मल हो जाता है, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा दिखता है उसमें ब्रश के स्ट्रोक। तो हालांकि ऑयल पेंटिंग में ऐसा कम देखने को मिलता है क्योंकि उसमें ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छे से हो जाती है और कलर काफ़ी लेट से उसमें ड्राई होता है, बट यहाँ पे जो हमारा वाटर कलर है इसमें आप लेयर बाय लेयर अप्लाई तो करते हैं, बट उसमें जो ये कलर के ट्रांसपेरेंसी के कारण जो बैक वाले जो हमारे स्ट्रोक्स है, जो फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर है, उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट लेयर करते हैं वो दिखने लगते हैं, उसके स्ट्रोक्स दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं 00 साइज ब्रश का यूज़ करके डिटेल्स कर रहा हूँ, इसमें हाइलाइट्स वगैरह जहाँ पर डार्क है तो वहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ, जैसे कि आई के ऊपर साइड में है, आईब्रो के नीचे, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा डार्क है तो वहाँ पे मैं डार्क कर दिया हूँ। इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और चैलेंजिंग भी लगा कि क्योंकि एक एआई को कम्पीट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक आर्टिस्ट यहाँ पे अपना 5-4 घंटा देकर एक आर्टवर्क क्रिएट करता है, और वहीं दूसरे तरफ एक एआई बस एक क्लिक में ही एक आर्टवर्क क्रिएट करके दे देते हैं। और जैसा कि आप लोग जैसा भी आप लोग आर्टवर्क चाहे वो क्रिएट करके दे देते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है और एकदम बढ़िया वाला देता है। बट आज की जो हो गई है, जो आज की दुनिया है, वो लोग सोचते हैं ऐसा कि एआई तो आ ही गया है तो क्या आर्टिस्ट से पेंटिंग बनवाया जाए, बट ऐसा नहीं है। जो हमारा जो हैंड वर्क है, हैंड का प्रोसेस है, वो आपको एआई कभी नहीं दे सकता, ये बात आप लोग जान लीजिए। एआई कभी ये चीज़ नहीं दे सकता, अपने जो हैंड का जो प्रोसेस है, हैंड मेकिंग चीज़ का कम्पीट कभी नहीं कर सकते एआई। तो काफ़ी सारे जो आर्टिस्ट है जो कि डिजिटल आर्ट वर्क बनाते थे, हालांकि उनको परेशानी आई है एआई के आ जाने से, बट उनको भी उतना दिक्कत नहीं हुआ है। वाई हुआ है कि जो डिजिटल आर्ट वर्क बनाते थे तो वो तो दूसरों को यकीन दिला ही नहीं सकते कि ये मैंने बनाई है, क्योंकि उसमें पूरा फुल्ली डिजिटल होता है, तो कोई ये भी उन पे ब्लेम लगा सकता है कि नहीं आपने एआई से बनाया है। बट यहाँ पे जो हमारे जो हैंड प्रोसेस के द्वारा जो बनाई जाती है उसमें आप कुछ भी ब्लेम नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं ऐसा बोल सकते कि नहीं ये एआई से, क्योंकि आपके सामने लाइव प्रूफ है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता, ये बात आप लोग जान लीजिए। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद, डिटेलिंग उतना मैंने इसमें नहीं किया, बट फिर भी अच्छा लग रहा है देखने में, आपको दिख रहा होगा जी, पेंटिंग कंप्लीट भी होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा फुल्ली एक्सप्लेन तो नहीं दिखा रहा हूँ इसका ट्यूटोरियल, बट मैं आपको इसमें एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने एआई को कंप्लीट किया इस
पेंटिंग के माध्यम से। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में मैं स्काई बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एआई इफेक्ट लाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पेंटिंग कंप्लीट होने ही वाला है। तो इसके में मैं डिटेलिंग जैसे कर रहा हूँ उसमें मैं वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखा पाया, सॉरी, क्योंकि बनाने में इतना व्यस्त हो गया था कि मैंने चेक ही नहीं किया कि जो वीडियो हमारा शूट हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो फोकस नहीं था, इसलिए नेक्स्ट पार्ट हमारा ब्लर हो गया। ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ आती है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है हमेशा। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और एंड तक वीडियो देखकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पे हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग इसको देख सकते हैं, लास्ट में मैं आपको इसका फाइनल पिक दिखा दूँगा।